स्टूडेंट वेलकम टू क्लास सिक्स। इन प्रीवियस क्लास वी रीड अबाउट द ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल एन इलेक्ट्रिक सर्किट। टुडे आई विल टीच यू इलेक्ट्रिक स्विच। वी हैड एन अरेंजमेंट फॉर स्विचिंग ऑन ए ऑफ अवर होम मेड टॉर्च बाई मूविंग द बेस ऑफ द बल्ब अवे फ्रॉम द टिप ऑफ द सेल। हम अरेंजमेंट करते हैं स्विचिंग का, ऑन ऑफ का कैसे करते हैं, हमारे घर पे बनाते हैं अगर टॉर्च को तो मूविंग द बल्ब का जो बेस रहता है जो कि सेल के टिप से दूर रहता है। दिस वॉज़ ए सिंपल स्विच, एक स्विच होता है बट नॉट वेरी इजी टू यूज़। इसको यूज़ करना इजी नहीं है। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड ईजियर स्विच टू यूज़ इन अवर सर्किट। लेकिन हमारी सर्किट में जो स्विच यूज़ होता है वो सिंपल और ईजी नहीं होता है। एक्टिविटी फोर यू में यू कैन मेक ए स्विच यूजिंग टू ड्राइंग पिंस। हम स्विच बना सकते टू ड्राइंग पिन से, एक सेफ्टी पिन, टू वायर्स एंड स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और ए वुडन बोर्ड। एक सेफ्टी पिन लेंगे, दो वायर लेंगे, एक स्मॉल शीट थर्माकोल की लेंगे या वुडन बोर्ड लेंगे। इंसर्ट ए ड्राइंग पिन इन टू द रिंग एट वन एंड ऑफ द सेफ्टी पिन। हम ड्राइंग पिन को जो है एक रिंग में सेफ्टी पिन के एक एंड पे लगा देंगे एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल शीट एज शोन इन फिगर। और उसको फिक्स कर देंगे थर्माकोल शीट पर। मेक श्योर दैट सेफ्टी पिन कैन बी रोटेटेड फीवली। सेफ्टी पिन हमारी रोटेटेड होगी। नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन द थर्माकोल शीट इन ए वे दैट द फ्री एंड ऑफ द सेफ्टी पिन कैन टच इट। और दूसरी तरफ दूसरा पिन हम लगा देंगे जिससे जो हमारी सेफ्टी पिन को हम जब मूव करेंगे तो वो उससे टकराएगी। द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी योर स्विचेस इन दिस एक्टिविटी। तो नाउ मेक ए सर्किट बाई कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। फिर उसको हम एक इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ देंगे एंड ए बल्ब विद दिस स्विच एज शोन इन फिगर 12.9 में आप देखिए जैसे बल्ब को एक सेल से हम जोड़ देते हैं। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेज द अदर ड्राइंग पिन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो जब हम सेफ्टी पिन को मूव करते हैं सेफ्टी पिन इससे दूसरे पिन से लड़ता है। रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट फ्री एंड टचेज ड्राइंग पिन से जब ये लड़ेगा तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? नाउ मूव द सेफ्टी पिन अवे, डज द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो? जैसे ही ये टच करेगा दूर जाएगा तो बल्ब आपका ग्लो हो जाता है। द सेफ्टी पिन कवर्ड द गैप बिटवीन द ड्राइंग पिन व्हेन यू मेड इट टच टू ऑफ देम। इन दिस पोजीशन द स्विच इज टू बी ऑन। इस कंडीशन में स्विच मतलब ऑन हो गया सिंस द मटेरियल ऑफ द सेफ्टी पिन अलाउज द करेंट टू पास थ्रू इट। इससे ये समझ में आया कि सेफ्टी पिन का जो मटेरियल था वो करेंट पास हुआ इसके थ्रू, द सर्किट वॉज कम्प्लीट। सर्किट कंप्लीट हो गई हैंस द बल्ब ग्लो कर गया। ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन द सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच। अगर बल्ब नहीं ग्लो कर रहा तो इसका मतलब सेफ्टी पिन ड्राइंग पिन से टच नहीं हो रही तो सर्किट वाज नॉट कंप्लीट। यहाँ पर सर्किट कंप्लीट नहीं था एज देयर वाज ए गैप बिटवीन द टू ड्राइंग पिन। इन दो ड्राइंग पिन के बीच गैप था। इन दिस पोजिशन द स्विच इज़ टू बी ऑफ। तो इसमें क्या होगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर। इलेक्ट्रिक जो हमारे विद्युत सुचालक होते हैं, कुचालक। इन ऑल और अवर एक्टिविटीज़ वी हैव यूज मेटल वायर्स टू मेक ए सर्किट। हम यूज़ करते हैं मेटल वायर्स को जो कि सर्किट बनाते हैं। सपोज वी यूज़ ए कॉटन थ्रेड इंस्टेड ऑफ ए मेटल वायर टू मेक ए सर्किट। क्या कॉटन थ्रेड से हम सर्किट को बना सकते हैं? डू यू थिंक दैट द बल्ब विल लाइट अप इन सच ए सर्किट? क्या इसमें बल्ब लगेगा? वॉट मटेरियल कैन बी यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सा मटेरियल यूज़ होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में सो दैट द करेंट कैन पास थ्रू देम, जिससे इसमें से करेंट पास हो सके? लेट अस फाइंड आउट। एक्टिविटी फाइव, डिसकनेक्ट द स्विच फ्रॉम द इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर आपको डिसकनेक्ट करना है स्विच से इलेक्ट्रिक सर्किट से, यू यूज़ फॉर एक्टिविटी फोर। दिस वुड लीव यू विद टू फ्री एंड्स ऑफ वायर। अगर टू फ्री एंड को वायर से अलग कर दें तो ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ टू वायर क्लोज। अगर क्लोज हो जाएंगे तो टच ईच अदर, एक दूसरे से टच करेंगे बल्ब लाइट अप, वो ग्लो करेगा। यू कैन नाउ यूज़ दिस अरेंजमेंट टू टेस्ट वेदर एनी गिवन मटेरियल अलाउ करेंट टू पास थ्रू और इट नॉट। अगर वही जैसे एक्टिविटी उसमें पढ़ाया था 12.2 में आप देखिए, बल्ब अगर वायर कनेक्ट हैं तो जलेगा अगर उसको एक की से हम कर देंगे, अगर नहीं कनेक्ट है तो बल्ब ग्लो
नहीं करेगा। कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, कई सैंपल करेंगे हम डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से, जैसे कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, कीज, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्युमिनियम फॉइल, कैंडल, सेविंग नीडल, थर्माकोल, पेपर एंड पेंसिल लीड। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड्स ऑफ द वायर्स ऑफ यंग टेस्टर इन कॉन्टेक्ट विद टू एंड्स ऑफ द सैंपल यू हैव कलेक्टेड। हम एक एक करके फ्री एंड से वायर के उसको कनेक्ट करेंगे और देखेंगे। मेक श्योर दैट द टू वायर डू नॉट टच ईच अदर। अगर वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे हैं वाइल यू आर डूइंग सो, तो डज द बल्ब ग्लो इन ईच केस। तो इसमें क्या करेगा बल्ब ग्लो, इस केस में क्या करेगा? मेक ए टेबल इन नोटबुक सिमिलर टू टेबल 12.1 एंड री रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट डू यू फाइंड? हम क्या पाते हैं? द बल्ब डज नॉट ग्लो व्हेन द फ्री एंड्स ऑफ वायर्स आर इन कॉन्टेक्ट विद सम ऑफ द मटेरियल यू हैव टेस्टेड। अगर वो दोनों बल्ब एक दूसरे से कनेक्ट वायर नहीं है तो बल्ब नहीं जलेगा। दिस मीन्स दैट दीज मटेरियल डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू, इनमें इलेक्ट्रिक करेंट पास नहीं हो रहा। ऑन द अदर हैंड सम मटेरियल अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम विच इज़ इंडिकेट बाय द ग्लोविंग बल्ब। अगर ये वायर कनेक्ट होंगे तो करेंट पास होगा और बल्ब ग्लो करेगा। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करेंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट्स को पास करते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स कहलाते हैं। इंसुलेटर डू नॉट इलेक्ट्रिक करेंट पास थ्रू देम विद द हेल्प ऑफ टेबल। नेम द मटेरियल दैट आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो दोज विच आर इंसुलेटर्स। यानी जो करंट पास कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर्स हैं, और जो नहीं पास करते, जिसमें बल्ब ग्लो नहीं करता, करंट नहीं पास करेंगे, वो इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी के कहलाएंगे। यू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रंस।